वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये एक सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, तो उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। उसके डेफिनेशन जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी डेफिनेशन है, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग साइंटिफिक प्लेसेस इंक्लूडिंग एंड अदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? शेयर करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक प्लेसेस, हाँ, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी इनमें छुपी रहती है। तो ऐसे शेयरिंग को हम बोल सकते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको इसमें जो है बहुत सारे, मतलब ये जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती हैं, लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और रिसर्च सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल लाइक टेक्निकल डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं, मेडिकल इंस्ट्रक्शन, और जैसे कि ये जितने भी हैं देख सकते हैं आप। ओके, सो आगे पढ़ते हैं हम। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, क्या हमें चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन? अगर टेक्निकल कम्युनिकेशन हमें करना है तो हमें क्या चाहिए? तो हमें जैसे कि तीन बेसिस पे हम इसको, तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली हमारी। जैसे फर्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। सो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस ये डेफिनेशन है उसकी, और ये भी एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन की, जिसमें डेप्थ नॉलेज की एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, हमारे बीच टेक्निकल कम्युनिकेशन आप चाहते हैं क्रिएट करें, सो आपको यू हैव इन डेप्थ नॉलेज, मतलब बहुत डीपली आपको पता होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं, उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कांट परफॉर्म टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो सेकेंड है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या हुआ? हमारा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एक एबिलिटी है कि मतलब हमें डीप नॉलेज तो है चीज़ों की, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स को रखने की एबिलिटी, लोगों के सामने रखने की एबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयर करने की एबिलिटी, मतलब इस ये एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि जो स्पीकर है वो, मतलब जो भी बोल रहा है, जो भी कन्वे कर रहा है मैसेज, वो मतलब क्लियर होना चाहिए, क्लियर और ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि लोगों को समझ आए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सो लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस। सो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस मतलब कि एबिलिटी होनी चाहिए स्पीकर के अंदर ऑर्गेनाइज करने की, मतलब कि कहने का मतलब है कि लॉजिकल वे और स्ट्रक्चर वे में हमें प्रेजेंट करना चाहिए व्यूज और इन्फॉर्मेशन को, लाइक हमें क्या पहले बोलना है, क्या हमें बाद में बोलना है, ये ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस में आता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। मतलब क्या फीचर्स होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के? सो बेसिकली हमारा जैसे फीचर्स में आता है एक्यूरेट, क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो हम इसे ब्रीफ में पढ़ते हैं, लाइक एक्यूरेट। व्हाट इज एक्यूरेट? एक्यूरेट मतलब कि हमें टू द पॉइंट, मतलब जिस लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें जो हम क्लियरली बताना चाह रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स जो इंफॉर्मेशन, वो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूरेट होना चाहिए। इधर उधर घुमा के बात नहीं करनी है हमें, टू द पॉइंट बात करनी है, क्लियर। क्लियर मतलब हम इस तरह से सामने वाले को समझाएं, इस तरीके से हम सामने वाले को समझाएं कि, और इस ऑर्डर में समझाएं कि उसे समझता चले जाए वो, मतलब कि उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। नेक्स्ट वन इज़
कॉन्साइज में क्या था हमारा, कॉन्साइज हमारा मतलब कि मिनिमम वर्ड्स को यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा जो है हम कन्वे कर सकते हैं लोगों को मैसेज, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कुछ कीवर्ड्स मतलब ऐसी कॉन्साइज मतलब कुछ वर्डों में हम अपने सारे व्यूज़ अपने सारे ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों से, मतलब वर्ड्स कम हो हमारे पास लेकिन हमारा उसमें सब कुछ आ जाता हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कम इंफॉर्मेशन उससे कन्वे हो रही हो। लाइक सेकेंड नेक्स्ट वन इज़ कोहरेंट। कोहरेंट इज़ द फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इन विच मतलब हिंदी में समझाएं तो ये जो है डेवलप करता है सब्जेक्ट मैटर्स को इन मतलब कि लोगों की सोच के अकॉर्डिंग हमें बताना है, उनसे बात करनी है उनके सोच के अकॉर्डिंग कि जिस वो अप्रोच में वो समझना चाहते हैं, मतलब कि हमें ये नहीं है कि बस हमें बताना है नहीं, हमें सामने को समझ में आना चाहिए ये चीज़ कोशिश करनी है तो कोहरेंट होना चाहिए हमारा मैटर। और लास्ट वन इज एप्रोप्रिएट। सो एप्रोप्रिएट इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होगा हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन का, कॉम्प्लेक्सेस प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से क्या हमें पहले बोलना है, क्या एक्सपर्ट ऑडियंस के सामने जो चीज़ें जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं क्या हमें करनी चाहिए, मतलब कैसे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं और क्या ये सारी चीज़ें सही हैं हमारे लिए, जिस तरह के ऑडियंस से पहले हमें ऑडियंस एनालिसिस करनी चाहिए, देन ये सारी फीचर्स हमें परफॉर्म करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मतलब जनरल एंड डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो हमें जानना है कि जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल ऐसा क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो डिफरेंट है हमारी जनरली जो हम लोग बातचीत करते हैं उससे क्या डिफरेंट है, मतलब मतलब अब जनरल की बात करेंगे तो जनरल कंटेंट होता है हमारा, और अगर टेक्निकल में जाएं तो टेक्निकली हम लोग बात करते हैं, टेक्निकल कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जनरल वोकैबुलरी यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग किसी भी तरीके से बात कर लेते हैं एज अ फ्रेंड और विद आवर फैमिली मेम्बर्स विद रिलेटिव्स, सो उस तरह से हम टेक्निकल कम्युनिकेशन में बात नहीं कर सकते, उसमें कुछ मतलब टर्मोलॉजी होगी जो टेक्निकल हम वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल, मतलब इसमें जो है हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल बोथ स्टाइल्स हो जाती हैं, जैसे कि हम अगर अपने बड़े से बात कर रहे हैं या मम्मी पापा से तो थोड़े से हम लोग फॉर्मल हो जाते हैं, और अगर भाई बहन सिबलिंग्स में बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मली भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ें इसमें कोई पर्टिकुलर हमें ये नहीं है कि हमें फॉर्मल तरीके से ही बात करनी है, और टेक्निकल कम्युनिकेशन में ऐसा है कि फॉर्मल एलिमेंट्स ही होने चाहिए, अगर यहाँ पर इनफॉर्मली तरीके से अगर हम बात करेंगे तो उसे टेक्निकल कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल बातें भी होती हैं, मतलब कि कुछ मम्मी आंटियाँ जैसे कि चटर पटर करती हैं तो वो नॉन फैक्चुअल हो गया, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन फिर भी करती हैं, तो इनफॉर्मल बातों में नॉन फैक्चुअल भी चलता है, जनरल कम्युनिकेशन में नॉन फैक्चुअल भी चलता है, कभी कभी अच्छी बातें कभी कभी रामायण और ETC इन सब चीज़ों के भी बारे में बातें होती हैं तो वो फैक्चुअल में आ गई, तो मतलब जनरल में हम कैसी भी बातें कर सकते हैं लेकिन अगर हम उसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन में जाते हैं तो फैक्चुअल फैक्ट के बेसिस पे हमें बात करनी चाहिए, मतलब फैक्चुअल होना चाहिए हमारा इन्फॉर्मेशन। और हम जनरल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट हैज़ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दोनों होती हैं इसमें, मतलब कि हमें एज अ टेक्निकल भी कुछ चीज़ें पता होती हैं और गंवार वाली भी चीज़ें पता होती हैं, हर तरीके की चीज़ें पता होती हैं, लेकिन
अगर हम देखें इसमें कि टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब देखो इसमें मतलब से भी हम बात कर सकते हैं और इसमें बेमतलब भी बात कर सकते हैं, मतलब हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन हम बात करते रहते हैं। और अगर देखा जाए इसमें तो हमें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब कि हमें इसमें देखना पड़ता है कि हम हमारा क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के बेसिस पे हम जो है वो पूछते हैं, मतलब बात करते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि हमारा जो जनरल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज लॉजिकली ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कि कब क्या कहना है, किसके सामने कैसे, ऑडियंस के सामने क्या प्रेजेंट करना है, सारी चीज़ें मैनेज्ड होती हैं। और हम जनरल कम्युनिकेशन में कुछ भी बोल देते हैं कभी भी, तो और देयर आर यूजुअली नो स्पेसिफिक एक्सपोजिशन टेक्निक, इसके लिए कोई भी एक्सपोजिशन टेक्निक नहीं बनी है कि हमें इस तरीके से समझाना है तभी लोगों को समझ में आएगा। हम लोग जनरली बात करते हैं और वो लोग जो हम कन्वे करना चाहते हैं मैसेज जनरल कम्युनिकेशन में, वो इजिली हम डिलीवर कर देते हैं और सामने वाला इजिली समझ भी जाता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट एक्सपोजिशन टेक्निक्स आर यूज, मतलब कि मतलब कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम समझाते हैं लोगों को, या कुछ पोस्टर्स से समझाते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब ईजिली समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कि लगता तो बहुत ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को कि हाँ बहुत थ्योरी है इसमें, आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आगे क्या है, मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर द स्पेसिफिक ऑडियंस, मतलब हमारे सामने आंटी हो, फूफी हो, चाचियों कोई बैठा हो, हमें बात करनी है, मतलब जनरल तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारा ऑडियंस कौन है, स्पेसिफिक ऑडियंस को लेके नहीं चलते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन को हम स्पेसिफिक ऑडियंस पे लेके चलते हैं, जैसे कि हम साइंटिस्ट के, आज वो साइंटिस्ट आने वाले हैं, उनके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, तो उस तरीके से उनके तरीके से अकॉर्डिंग टू आवर ऑडियंस हम लेक्चर को तैयार करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मे और मे नॉट इन्वॉल्व ग्राफिक्स, मतलब कभी कभी हम ग्राफिक्स के हेल्प से भी बता देते हैं, जैसे फोटोग्राफ दिखा रहे हैं अपने पापा या मम्मी को या किसी को भी, तो वो ग्राफिक हो भी गया, और अगर कभी कभी ऐसे ही बात कर लेते हैं फिर भी लोगों को समझ में आ जाता हमारी बातें। लेकिन इसमें ज़्यादातर हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इनको टेक्निकल कम्युनिकेशन को लोगों को समझाना बड़ा ही मुश्किल है। सो That's all. बहुत थैंक यू मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन की दास्तान यही तक थी इस लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक करो मुझे, प्लीज़ कमेंट करो और ये सारी चीज़ें करो, अगर आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो अगर आपको बिल्कुल थोड़ा 1% भी अगर समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगला, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आपकी ख्वाहिश से होगा, मतलब कि अगर आप जो, मतलब आप चाहते हैं जिस लेक्चर पे, जिस सब्जेक्ट में, मतलब मैं सब कुछ पढ़ा सकती हूँ, सो तो आप जैसा टेक्निकल, बेसिकली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन, सो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक